डिजिटल मार्केटिंग ये टर्म आज इंटरनेट के जमाने में बहुत कॉमन हो चुका है। फेसबुक, यूट्यूब या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको जो भी प्रमोशनल वीडियो, एडवर्टीजमेंट या स्पॉन्सर्ड लिंक्स दिखते हैं वो सभी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा होते हैं। इसमें कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर्स तक पहुँचाने के लिए उनका पेड प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट करवाती है। ये किसी प्रोडक्ट का एड हो सकता है, कोई कैंपेन हो सकता है या कोई दूसरी प्रमोशनल एक्टिविटी। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के लिए जैसे एड एजेंसीज होती हैं, ठीक उसी तरह डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी होती हैं, जो अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें डिजिटल सर्विस देती हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, आज इसी सवाल का जवाब क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में है। मार्केट साइज। इंडिया में जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है और लोगों तक मोबाइल इंटरनेट की पहुँच बढ़ी है, तब से काफी लोगों का टाइम मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पे बीतता है। यही वजह है कि डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड भी बढ़ा है। अगर अपने देश की बात करें तो 2020 तक इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग पे $3 बिलियन खर्च किए जा रहे थे और 2030 तक ये बढ़कर 25 से 30 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो इसमें जॉब के साथ साथ बिजनेस का भी बहुत स्कोप है। आजकल बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ साथ छोटे छोटे बिजनेसमैन और छोटी कंपनियां भी डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपना कस्टमर बेस बढ़वा रही हैं। क्योंकि अखबार, टीवी और रेडियो को भले ही कोई कंज्यूम कर रहा हो या नहीं, पर मोबाइल सबके पास है और लोग जाहिर तौर पर इंटरनेट यूज भी कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या आधी अधूरी जानकारी है तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने से पहले आपको इसकी पढ़ाई करनी चाहिए या कोई डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर लेना चाहिए। इससे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और आप अपने बिजनेस की सोच सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप बिजनेस में ना भी उतरे तो किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करके वहाँ से लिए गए एक्सपीरियंस को बाद में अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट का किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ क्लास 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ऑनलाइन मोड पे करते हैं तो भी कम से कम ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया की जानकारी होनी जरूरी है। अगर आप डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ क्लास 12वीं पास होना जरूरी है या फिर 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग में बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए भी 10+2 में 50% या ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ पास होना जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप फ्री में ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो गूगल का फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कोर्सेरा का डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, लिंक्डइन लर्निंग का ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर और स्किल शेयर का क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स कर सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कोर्स गूगल का है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स फंडामेंटल्स एंड गूगल सर्च एड्स के बारे में जानकारी दी जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आप इसे अपने सीवी में मेंशन कर सकते हैं और इससे आपका करियर ग्रोथ भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं तो IIT गाजियाबाद, IIT दिल्ली, सिंधी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, INSD पुणे, IIM और XLRI को भी चुन सकते हैं। सिलेबस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस की बात करें तो ये इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम के मुताबिक अलग अलग हो सकता है, पर जो चीजें कॉमन है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें व्हाट इज SEO, हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ SEO, कीवर्ड्स गूगल एडवर्ड्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बताया जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया ब्लॉगिंग, यूज ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कंटेंट क्रिएशन, सोशल नेटवर्किंग और वीडियो क्रिएशन एंड शेयरिंग पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही कंटेंट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग भी सिखाई जाती है। डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई के बाद आप सोशल मीडिया मैनेजर, मार्केटिंग रिसर्च एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, कंटेंट मैनेजर, SEO मैनेजर जैसे प्रोफाइल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो 3 लाख से 7 लाख रुपए सालाना की आप नौकरी पा सकते हैं, पर ये डिपेंड करेगा कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आपकी नॉलेज और स्किल पे। आजकल हर कंपनी अपना डिजिटल प्रेजेंस बना रही है, इसीलिए आप किसी भी सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने की और इसका क्या प्रोसेस है, चलिए समझते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी होगी, जिसके बैनर तले आप पूरी सर्विस देंगे।
कंपनी रजिस्ट्रेशन पे आपको क्विक सपोर्ट पे वीडियो मिल जाएगा। अगर शुरुआत में आप प्रोप्राइटरशिप वाला रजिस्ट्रेशन लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुकाबले इसे रजिस्टर करवाना आसान होता है। इसके बाद आपको कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, पैन कार्ड, ट्रेड लाइसेंस और GST लेना पड़ेगा। लोगो और कंपनी का यूनिक नाम भी रजिस्टर करवाना पड़ता है, ताकि किसी और ऑर्गेनाइजेशन से वो क्लैश ना करे। कंपनी चलाने के लिए आपको ऑफिस स्पेस भी चाहिए होगा, जहां से आपकी पूरी टीम ऑपरेट करेगी। इसके अलावा भी कम्युनिकेशन, क्लाइंट विजिट, ट्रेनिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, इन सब के लिए आपको ऑफिस चाहिए होगा। शुरुआत में आप छोटे ऑफिस स्पेस और छोटी टीम से भी आगे बढ़ सकते हैं। सभी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप किसी CA की सर्विस लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट इज टीम। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाने के लिए आपको वेबसाइट डेवलपर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, टेल कॉलर्स, SEO एक्सपर्ट, एडवर्ड एक्सपर्ट, कंटेंट राइटर जैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। डिपेंड करता है कि आप अपना बिजनेस कितने बड़े स्केल पे करने जा रहे हैं और उसके लिए कैसे और कितने एम्प्लॉइज चाहिए, उसी हिसाब से आप उन्हें सैलरी या फ्रीलांसर के तौर पर रिक्रूट कर सकते हैं। सर्विसेज। अपनी एजेंसी से आप क्या कुछ सर्विस देंगे वो भी डिसाइड करना होगा। सर्विस के तौर पे आप वेबसाइट डेवलपमेंट, सिक्योरिटी सर्विस फॉर वेबसाइट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, PPL या पे पर क्लिक, SEO सर्विस, ईमेल मार्केटिंग, गूगल और फेसबुक एडवर्टाइजिंग, रैंकिंग ऑन गूगल सर्च, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी सर्विस दे सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इसमें ये किया जाता है कि आप जिस किसी को भी सर्विस दे रहे हैं उसमें उसकी वेबसाइट या ब्लॉग सर्च रिजल्ट में शो करेगा। इससे ही जुड़ा हुआ है गूगल रैंकिंग, मतलब जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो रिजल्ट में जो लिंक या वेबसाइट top 3 top 5 में आता है वो रैंकिंग में काउंट होता है। यानी आपकी कोशिश रहेगी कि अपने क्लाइंट को भी सर्च रिजल्ट में टॉप पर ले आया जाए। आजकल जब भी हम इंटरनेट पे कुछ ढूंढते हैं तो ये देखते हैं कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है या नहीं, फिर चाहे वो कोई स्कूल हो, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बार, पब, स्पा, सैलून, स्कूल, कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट ही क्यों न हो। इसीलिए अगर आपके किसी क्लाइंट की वेबसाइट नहीं है तो आप उन्हें वेबसाइट बनवाने की सर्विस अप्रोच कर सकते हैं। इसी तरह गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया पे क्लाइंट का स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट या पेड प्रमोशन करवा कर उसे कस्टमर का लीड दिलवा सकते हैं, ताकि कंज्यूम बेस बढ़े और बिजनेस भी। सोशल मीडिया पोस्ट। जब भी आप किसी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के सोशल मीडिया पेज या प्रोफाइल पे कोई अट्रैक्टिव पोस्ट देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, उसे किसी ने तो डिजाइन किया ही रहता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स इन सब के लिए या तो अपने आसपास रिसोर्सेज रखते हैं या फिर किसी एजेंसी की सर्विस लेते हैं। इसीलिए आप अपने पास ग्राफिक डिजाइनर रख के सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर, क्रिएटिव पोस्ट फॉर इवेंट्स, फेस्टिवल्स, विशेज जैसी चीजों को भी सर्विस दे सकते हैं। वेबसाइट। एक कंपनी होने के नाते आपकी अपनी भी वेबसाइट होनी जरूरी है, इसीलिए आप अपनी भी एक बढ़िया वेबसाइट बनवा लीजिएगा, जहां आपकी सर्विस, आपकी टीम, क्लाइंट फीडबैक, आप और आपकी टीम की अचीवमेंट जैसी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अपने खुद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी ये सारी चीजें जरूरी है, जिसमें वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स, टीम के लिए विजिटिंग कार्ड, ID कार्ड, ऑफिशियल नंबर और मेल ID आपके काम को प्रोफेशनल लुक देगी। अगर टीम की बात करें तो उसमें आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस और रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जब मार्केट से प्रोजेक्ट आएगा। इसीलिए सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में अच्छे कैंडिडेट्स जरूरी होते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर रिलेशन स्किल्स, टीम मैनेजमेंट अच्छी हो और अपने प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी हो। साथ ही आप 4-5 फीमेल टेली कॉलर्स भी रखेंगे तो अच्छा होगा, जिनका काम रहेगा क्लाइंट को आपकी सर्विस बताना और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उनकी डिटेल्स सेल्स एंड मार्केटिंग टीम को दे देना। इसके अलावा भी आपके पास ऐसे बंदे होने चाहिए जिनकी कंटेंट राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो, हिंदी या इंग्लिश पे कमांड बहुत अच्छी हो और वो आपको बढ़िया वेबसाइट कंटेंट, ईमेल मार्केटिंग कंटेंट, कैंपेन, SEO राइटिंग आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पोस्ट लिख के डिलीवर करें। अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए आप अपने शहर में होने वाले इवेंट्स, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फेस्टिवल्स या फिर ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि वहाँ लोगों के बीच आपके सर्विस की जानकारी पहुँच सके। नेक्स्ट इज टेक्निकल सपोर्ट। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं उन्हें अपना लॉन्ग टर्म कस्टमर बनाए रखने के लिए उनके टच में रहिए, उनसे उनका फीडबैक लेते रहिए और उन्हें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उन्हें टेक्निकल सपोर्ट दीजिए और इनकी क्वेरीज सॉल्व कीजिए, जिससे आपके कस्टमर को हमेशा स्पेशल फील होगा कि आप उनके लिए डेडिकेटेड हैं। अगर उन्हें अपनी सर्विस अपग्रेड करवानी है तो उसका भी अप्रोच दीजिए।
ताकि वो आउटडेटेड ना रहें, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अपग्रेड होती रहती है। और यही बात आप पे भी लागू होती है, क्योंकि अगर आप बिजनेस में हैं, तो आपको कंपटीशन तो फेस करना ही होगा। इसीलिए अगर आपके शहर में कोई और भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो उनकी सर्विस को एनालाइज करते रहिए और हमेशा क्वालिटी सर्विस दीजिए। इससे आप मार्केट लीड कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी दिलवानी चाहिए, ताकि नई टेक्नोलॉजी के साथ वो अपडेटेड रहें। और अगर सर्टिफिकेशन दिलवाकर उनकी एक्सपर्टाइज बढ़ेगी तो अल्टीमेटली फायदा आपकी कंपनी को ही होगा। मार्केट से सिर्फ प्रोजेक्ट उठाना ही जरूरी नहीं है, कोशिश कीजिएगा कि उसे आप टाइम पे डिलीवर कर सके। इससे क्लाइंट की नजर में आपकी वैल्यू बनी रहेगी। इन चीजों के अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी ऐसे क्लाइंट का प्रोजेक्ट आप ना उठाएं जिनकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी नहीं है, या फिर वो किसी लीगल लफड़े में फंसे हो। क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेने से पहले अपनी तरफ से उसका बैकग्राउंड चेक कर लेंगे तो नुकसान होने से खुद को बचा पाएंगे। कोर्स लॉन्च। धीरे धीरे जब आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती जाएगी, और फिर आप डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स भी शुरू करने की सोच सकते हैं। इस फील्ड में लोगों की बढ़ती रुचि से आप इजीली लोगों का ध्यान खींच सकते हैं, और सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स के जरिए भी आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको डिजिटल मार्केटिंग और इसका बिजनेस शुरू करने को लेकर काफी जानकारी मिली होगी। आप अपने फीडबैक और क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि लगभग दुनिया भर की हर चीजों पे, सेक्टर के बारे में, बिजनेस आइडियाज, एजुकेशन पे आपकी जानकारी बढ़ा सके। देखते रहिए क्विक सपोर्ट। धन्यवाद।